तो सैमसंग का एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन सैमसंग S21 FE, एंड इस स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्मार्टफोन का कैमरा कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है और क्या क्या फीचर्स होंगे इस कैमरे के अंदर। एंड सैमसंग की एक S22 सीरीज भी आने वाली है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। एंड अगर अपन सैमसंग की बात करें तो सैमसंग के डिस्प्ले एंड कैमरे की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है। और सैमसंग ने अपने कुछ न्यू प्रोजेक्ट रिवील किए हैं तो उनके बारे में भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अब बात कर लेते हैं सैमसंग के S21 FE के बारे में। तो सैमसंग के S21 FE के अंदर आपको कैमरा सेटअप में देखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 12 मेगापिक्सल का एक वाइड लेंस, एंड साथ ही आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। एंड ये लेंस 3x जूम तक जाता है, बट मेगापिक्सल के अंदर भले ही कम हो बट इनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी आने वाली है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सबसे फेमस मोड जो कि है पोर्ट्रेट मोड। तो पोर्ट्रेट मोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको क्लियर एंड डेप्थ क्वालिटी वाला बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलेगा और कैमरा सब्जेक्ट पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस करेगा ताकि इमेज आपको अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलेगी। और साथ ही आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो फोटो क्लिक करने के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। तो अगर अपन बात करें नाइट मोड की तो नाइट मोड के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया गया है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है AI मल्टी फ्रेम फोकसिंग। तो नो डाउट नाइट मोड के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफोन के साथ। एंड अगर अपन बात करें वीडियो क्वालिटी की तो वीडियो क्वालिटी आप 4K रेजोल्यूशन तक शूट कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा क्लियर आपको देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी। एंड अगर अपन बात करें कि अपन मैक्सिमम कितना जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हैं तो आपको 30x जूम देखने को मिलेगा इस कैमरा सेटअप में। एंड अगर अपन सेल्फी कैमरे की बात करें तो आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आप सेम टाइम पे फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा यूज कर सकते हो। तो आप व्लॉगिंग करने के लिए स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो नो डाउट इसका कैमरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। एंड सैमसंग के बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट की लीक्स निकल के आ रही है तो मैं आपको उस पर एक डिटेल वीडियो देने वाला हूं। तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी करिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।